2023 में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा यह पूरा महीना ग्रहों की स्थिति। आपके राष्ट्रपति मंगल सप्तम स्थान में केतु के साथ बैठे हुए हैं, जो कि उनकी सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर होने की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ापन क्रोध की अधिकता तो बनेगी, लेकिन मंगल स्वगृह दृष्टि होने की वजह से इन सब का निवारण अपने आप निकल जाएगा। आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। इस महीने आपसी दाम्पत्य जीवन पति पत्नी से प्रेम बनाकर रहिए तो ज्यादा अच्छा। इस महीने 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से यानी आपकी राशि से छोड़कर के मीन राशि पर प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए जो दाम्पत्य संबंधी समस्या विवाह संबंधी समस्या अगर चल रही थी वो अब ठीक हो जाएगा। केतु 18 महीने अब जाकर के आपके खर्च स्थान पर रहेंगे, जो कि विशेष खर्च की अधिकता बनेगी। इस महीने आपके शनि लाभ स्थान पर है, जो कि बराबर आपको लाभ होता रहेगा, मनकुल सफलता मिलेगी। अगर इस महीने में कोई परीक्षा इत्यादि की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें सफलता मिलेगी। शुक्र पंचम पर है, अगर कहीं प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो उसमें भी सफलता आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपका मित्रों से भी सहयोग इस महीने आपको मिल सकता है। इस महीने बृहस्पति की 30 अक्टूबर से बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, उनकी दृष्टि आपके विद्या संतान दाम्पत्य बिजनेस भाग्य और यात्राओं पर पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के यह महीना बहुत अच्छा है और अच्छी सफलता मिलेगा। लेकिन इस महीने में 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में आएंगे, उसके बाद यह पूरा महीना अच्छा ही आपका जाएगा, सफलता मिलेगी, बस थोड़ा सा आपको क्रोध से विशेष रूप से बचना चाहिए। इस महीने अगर कोई आप बिजनेस व्यवसाय इत्यादि करते हैं तो भी आपको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान पर आपके केतु के साथ मंगल हैं, आपसी तालमेल खराब कर सकते हैं। इस महीने में वाहन अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सा धीरे से चलाएं, क्योंकि चोट चपेट की भी संभावना आपको लग सकती है। इस महीने में सूर्य बुध आदित्य योग आपके खष्टम पर बैठे हुए हैं, जो कि अचानक शत्रु पर विजय दिला सकते हैं, और मनकुल सफायदा कहीं मुकदमा इत्यादि आपकी चल रही है या कोई कार्य आपका काफी दिनों से रुका हो, इस महीने में 15 अक्टूबर के बाद आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य बड़े अच्छी स्थिति में है, जो आपको अचानक राजकीय क्षेत्रों से शत्रु पर विजय दिला सकते हैं, लेकिन आपको भाग दौड़ और खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस महीने में ज्यादातर ग्रह आपके अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी हर प्रकार से इस महीने खर्च की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, सोच समझ कर थोड़ा सा खर्च करें और कुटुंब से तालमेल बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा। इस महीने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई दिक्कत इस महीने आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। इस महीने आपको आदित्य हृदय स्रोत का डेली पाठ करें और भगवान सूर्य को डेली जल दें। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई नौकरी परेशानी आ रही है, तो आप जो है नारायण कवच धारण करिए तो उससे भी आपको सफलता मिले। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नारायण।